दोस्तों अभी तक आप फोटोशॉप के ढेर सारे वीडियो अभी तक आप ढेर सारे फोटोशॉप के वीडियोस देख चुके हैं, चाहे हमारे चैनल पे या किसी और के चैनल पे। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे फोटोशॉप में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कस्टम शेप टूल का प्रयोग करके अपने हिसाब से जो हमारी जो इच्छा होती है उस हिसाब से हम कैसे फोटोशॉप में शेप के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्वीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तन्वीर में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कस्टम शेप टूल का प्रयोग करते हुए हम अपनी फोटोज को क्रिएट करेंगे। तो मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों फोटोशॉप में कस्टम शेप टूल का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कस्टम शेप क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ पे मैंने दो फोटोज बना के रखे हुए, आप दोनों उदाहरण देख सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इन दोनों को हम कट कर देते हैं फिलहाल। ले दोस्तों हम इस फोटो पे पहले सबसे पहले क्रिएट करते हैं। अब हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेते हैं और न्यू लेयर लेने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम शेप टूल दिख रहा है आपको। कस्टम शेप टूल पे जाने के बाद चलिए हम इसमें आ जाते हैं। अगर आप लोगों में ये चीज़ पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप इस पर जाने के बाद आपको आल पे क्लिक करना होगा और अपेंड कर देंगे तो आपको ये सब ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करने इसको थोड़ा सा ऊपर और फिर उसे इसको ऊपर कर लेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर कौन सा कलर फिल करना है। तो आप देख रहे हैं ये फॉरवर्ड कलर और ये बैकग्राउंड कलर है हमारा यहाँ पे। अब हम शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमारा कलर फिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं और इसके अंदर हम कलर चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरा कलर फिल कर लेते हैं और अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, कलर फिल हो गया। फिर हम चाहें तो शॉर्टकट प्रयोग कर लें और कंट्रोल शिफ्ट आई कर लें, या ये हमारा टूल है मैजिक वन टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम एडिट मेनू पे जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे, इस प्रकार से दिख रहा है। अब आप चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ये जो रेड कलर दिख रहा है इस पर ऐसे क्लिक करें मैजिक वन टूल का प्रयोग करके। यहाँ पर जाने के बाद इसमें से कौन सा कलर आप यूज करना चाहते हैं, सपोज करिए ये वाला, इसको हम बस पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे, या और कोई दूसरा कलर चाहें तो आप दूसरा कलर भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे और फाइल को जाकर के हम फाइल मेनू पे जाने के बाद यहाँ से हम सेव कर लेंगे। दोस्तों चलिए फिर से हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं आप लोग के सामने। फिर हमारी एक फ़ोटो कोई भी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद हम आ जाएंगे फिर से कस्टम शेप टूल पर। इसके बाद यहाँ से हम लेते हैं इस बार इस टूल को लेने के बाद और इसको मैं ऐसे ड्रैग कर लेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ बैक स्पेस, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई और कंट्रोल बैक स्पेस, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई और कंट्रोल एक्स कर देंगे। दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा, चलिए हम आउटसाइड में चाहे तो कलर चेंज कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे मैजिक वन टूल सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ बैक स्पेस, फिर कंट्रोल डी कर देंगे। अब इसको दोस्त सेव कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी कलर दूसरा कलर फिल कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से फायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और दोस्तों वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।